और जो है मैं थोड़ा सा राइड करने वाला हूँ। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, बट अगर मैं तो आदमी आया कि ऐसा राइड करना चाहिए, तो वेदर इज़ वेरी वेरी ओवर हियर एंड इट इज़ कम्प्लीटली फॉगी ऑल अराउंड रियल ट्रिप्स। तो लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस फॉर लॉन्ग टाइम अराउंड ऐसा वेदर मिला कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखते हैं कि कितना हम लोग झेल सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं और कितना सह सकते हैं। मैं भी नहीं बिल्कुल साथ में, क्योंकि मैं काम करता रहा रात भर और ऐसे ही सुबह में थोड़ा सा मैं जहाँ पर अपने विंडो से सो नथिंग बिकॉज पत्ती थी यहाँ पर फॉग। मैंने अपने राइडिंग जैकेट्स, अपने जो ग्लव्स होते हैं, हेलमेट्स और अपना जो नी गार्ड्स होता है वो सब लगा के आराम से बढ़ गए हूँ आगे। सो देखते हैं सामने क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है एंड यू नो आई नेवर थॉट अबाउट दिस टाइप ऑफ कोट। मैं ऐसे ही नॉर्मल से एक अपना जो विंटर लाइनर होता है इस मेस जैकेट के अंदर वही पहन के आया हूँ। आई नेवर न्यू मैं अपना जो बॉडी वार्मर होता है वो नहीं पहना हूँ यहाँ पर। मेरे को ठंड लगने लगी है, मेरा नाक बंद होने लगा। आई रियली डोंट नो कि मैं कितना यू नो डिस्टेंस तक पुश कर पाऊँगा, बट स्टिल आई वुड गिव इट अ ट्राई। और यहाँ पर दोस्तों इस वेदर में जो होता है विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पर 10-15 फीट तक ही मुझे दिख रहा है। यहाँ पर फॉग लाइट्स भी मैंने लगाया, बट स्टिल उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फॉग बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल विजिबिलिटी जो है यहाँ पर बराबर है। बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ रहा है क्योंकि अगर कोई भी जानवर वगैरह इस टाइम में तो इंसान नहीं है, अगर जानवर वगैरह कोई बाइक के सामने या फिर कोई भी गाड़ी के सामने सडनली आ जाता है कि कैमरा कंट्रोल तो स्पीड और या ब्रेक लगाता है वो सब कुछ भी काम टैक्सी वगैरह की टकराएंगे या फिर उस पर चढ़ जाएंगे तो कुछ तो भी होगा, बट यू नो डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस क्योंकि पैनिक हो जाता है। दोस्तों सो मैं अभी आ गया हूँ हाईवे पे। यार तो हालत और भी ख़राब है यार, मैं तो सोच रहा था यहाँ पर थोड़ा क्लियरिंग जाना और दिया करो यार, किसी को दिख रहा है मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती जा रहा है भगवान भरोसे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे बड़ा वाला जो काम प्लास्टिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो भी लगा है से। मैं एक ब्रेक ले ही लेता हूँ क्योंकि मेरे जो हाथ है वो बिल्कुल जम गए हैं। थोड़ा इधर उधर का सीन भी आपको दिखा दूँगा। और ये मैं अपने हैज़र्ड्स को ऑन करके छोड़ दी है। ऑलराइट सो लेट्स रोल अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोड कैसा है और माहौल कैसा है सामने का। वैसे दोस्तों मेरा नोज़ जो है एकदम क्लॉग हो गया है एंड आई फील कि सही से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तब से मैं मुँह से ही सांस ले रहा हूँ, पूरा फट रहा है यहाँ पे एंड आई कैन नॉट यू नो स्पीक करेक्टली एट ऑल। यहाँ इस वेदर में राइडिंग करने में भी थ्रिल है, बट दूसरे गाड़ी का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कहीं से भी कोई भी आ सकता है, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं एनीथिंग कैन कम। और ये जो है दिसंबर का महीना है एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, यू नो इस तरह का ठंड कभी मैं 5-6 सालों में तो फील नहीं किया कभी। इस बार यू नो 2020 में एक तो चीज़ अच्छी हो रही है कि ठंड सही से हो रहा है, दैट मीन्स कि वेदर जो है अपना ठीक हो रहा है। और मैं प्रिफर करता हूँ दोस्तों कि यू नो मैं सोलो राइड करूँ क्योंकि जो होता है ना कोई आ जाता है, आई डोंट ब्लेम एनी बॉडी बट मुझे अच्छा लगता है सोलो राइड करना क्योंकि दूसरे का कोई टेंशन नहीं रहता, अपने आप चलो। बट इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट भी है कि अगर आप फंस जाते हो तो कोई दूसरा होता नहीं है, कोई बन
दैट इज़ वन ड्रॉबैक अबाउट दिस सोलो राइड, बट ये छोटी राइड है तो यू नो आई कैन डू राइड। मैं हैदराबाद से भी करके आया हूँ, सो वहाँ पर भी बारिश में कीचड़ वगैरह में ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सो आई थिंक आई कैन मैनेज। बस आपके पास वो जो होता है वो गट्स होना चाहिए या फिर एक माइंड सेट होना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि आप कर सकते हो। काम एवरी थिंग इज़ क्वाइट गुड, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप आपके पास कोई लोन तो आप हमेशा किसी दूसरे को ले सकते हैं, बट देन तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंडेज वगैरह लगाना पड़ेगा, सस्ते में लगाना है तो साइड स्टेज और साइडल बैग्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा पीछे कोई बैठ रहा है वो जगह आपका प्रियो पता होते रहेगा, सो वहाँ पर आप सामान अपना डाल नहीं सकते। पर्ची काट के देते हैं लोग, पर अपना क्या, अपने को तो बस ये कोना पकड़ के निकल जाना है बस। चलो here we go. तो ये जो फ्लाईओवर है ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है इस रोड पे, ये आता है यहाँ पे लिखा रहता है पूरी 42 किलोमीटर, एंड आई थिंक कि मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहिए। सो आई यू नो आई एम टेकिंग ए स्टॉप हियर एज आई कैन नॉट ब्रीथ एट ऑल, क्योंकि मेरे जो नाक है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। बाइक अभी मेरे बाइक पर जो है 5,500 किलोमीटर हो गए हैं, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि 6,000 पे इसे एक सर्विस करवा दूँ, ठीक से सांस नहीं मिल पा रहा है। एंड जो सर्विस कॉस्ट इस बाइक का जो सर्विस में मैंने करवाया था तो मेरे को पड़ा था कुछ 650 और 660 समथिंग रुपये। वो जो सर्विस जो टेक्नीशियन होता है वो मुझे बोल देगी यहाँ पर आप अपना जो गाड़ी है उसके टैंक में रखें, इंजन में फिल्टर ऑयल डाल दीजिए, जो कुछ होता है एक बार कि वो जो ऑयल है बिल्कुल पकड़ा जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और बिना उसको डाले आपका जो सर्विस कॉस्ट होता है वो कुछ 400 या 420 रुपये का आसपास में होता है, और इसका मालिक तो आप सबको पता है कि 40 से 45 आराम से दिखा दीजिए, जिस तक कि आप अगर 90 के बाद आप चलाते हो तो मालिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, करीब 33-35 के आसपास आ जाता है। बट यू नो क्रूजिंग एट 30 के अराउंड स्पीड यू कैन मेंटेन इज अराउंड 95 to 100, या फिर आप चाहते हो तो 105 करके जा सकते हैं आराम से। होता है आई नो कि बहुत ज़्यादा फ्लाइवर जो है वो बोल रहे हैं कि 100 में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मोबाइलेट करती है, बट आई थिंक इट द BS4 वर्जन ऑफ द बाइक, ये BS6 वर्जन है इट वर्क्स परफेक्टली फाइन, इसका जो स्मूथनेस से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, बिकॉज मैंने BS4 भी चलाया है, बहुत ज़्यादा टेस्ट राइड भी लिए इसके बाद में BS6 लिया था ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, आया तो वेट फॉर अराउंड 6 मंथ्स देखना था। All right guys, so I think that I should turn back and I'm looking for a clearing because दिखता नहीं है, दिखता तो है लेकिन दिखता नहीं है, अगर मेरे को दिख गया तो मैं निकल जाऊँगा। Here I got one, I think, let's turn around. चलो घूम जाते हैं, देखते हैं कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं। यहाँ पे इतना ज़्यादा ओस है कि मेरे चेहरे में पानी जम गया, बहुत ज़्यादा पानी जम गया, वो टपक रहा है, मेरे हेलमेट के वायर से भी पानी जम के वो टपक रहा है, आई फील टू ग्रंपी, आई मीन बहुत इरिटेट हो रहा है।
दिमाग खराब हो रहा है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस वाटर ऑल दिस वेटनेस, बिकॉज मैं ठंड तो जाहिर वाले तो जो गीलापन होता है वो वैसे नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है कर पाओ राइट। सो यहाँ पर फिर से हम लोग टोलगेट क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा पकड़ के निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, कोई पुलिस वाला भी नहीं, चलो आराम से निकल लेते हैं। एंड आई थिंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। सकता है ज़्यादा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। टॉकिंग अबाउट द ब्लॉग, आई नो कि मैं अपना एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, सो मैं इंटरनल माइक से ही जो वीडियो होता है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई एम प्लानिंग टू गो फॉर एन एक्सटर्नल माइक, लेकिन मैं अमेजोन में बहुत बार देखा भी हूँ बट आई कुड नॉट गेट अ परफेक्ट यू नो द गुड वन। और जो ऐसे कैम का जो माइक वो बता रहे हैं वो कुछ 1800 रुपये का है, बट आई डोंट थिंक कि वो एक माइक वर्थ करता है उतना 1000 रुपये के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। यहाँ से आई थिंक कि फिर हमें टर्न लेना पड़ेगा यस, क्योंकि मुझे फिर अपने घर जाना है। सो यहाँ पे एक टर्न और फिर सामने एक और लेफ्ट टर्न है। एंड आई थिंक देर इज़ नथिंग मोर टू शो ऑन दिस ब्लॉग, जो था मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर से मेरी कुल्फी जमी पड़ी है एंड यू नो चेहरा पूरा गीला पड़ चुका है, सो आई थिंक आई जस्ट नीड टू ब्रश बैक। सो वहाँ मेरी बाइक जो है वो वहाँ पे खड़ी है एंड द विंकर्स आर गुड एंड विजिबल, यहाँ तक विजिबल है विंकर्स। सो चलो अच्छा है मैंने लगा दिया था हैदराबाद से निकलने से पहले, तो दैट टर्न आउट टू बी वेरी यूजफुल फॉर मी। सो दिस इज़ इट गाइज। सो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना जो वीडियो उसको बंद कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई कमेंट वगैरह देना वो भी दे आपको, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉकिंग, हैव अ नाइस डे गाइज, स्टे सेफ।